हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम सब बनाने जा रहे हैं पतोड़े, तो चलो शुरू करते हैं। गाइस, मैंने इसमें पीसा है मिर्च, धनिया, जीरा और लहसुन, असल बट्टे में पीसा है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाला है बेसन, बेसन छान के लेना है और उसके बाद इसमें धनिया डाला है, थोड़ा पीसा हुआ मिर्च डाली है और जो मैंने सिलबट्टे में मसाला पीसा था उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम बैटर को मिलाएंगे। अब इसमें हम पानी डालकर इसको इसमें मिला देंगे, थोड़ा इसका एक घोल सा तैयार कर देंगे। मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें खूब मिला लेंगे। बेसन सॉफ्ट सा हो जाए। अब उससे इसे हम पत्तों में लगाएंगे। हम इस तरह शुरू करेंगे। अभी हमने इसमें बेसन लगा दिया है, अभी हम इसे घोल देंगे। फ्रेंड्स, ये बन गए हैं अरबी के पत्तों के रोल। अब इसे हम बॉइल कर लेते हैं। हो गया है पानी। अब रख दिए हम ये बने हुए जो रोल हैं, इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसे ना स्टीम होने देंगे 15 और 20 मिनट्स के। इसको हमने चेक किया, अभी थोड़ा कम है, थोड़ी सी कसर है, अभी और पकाएंगे थोड़ी देर के। तो फ्रेंड्स, अभी ये रेडी हो चुके हैं, हम ये बाहर निकाल लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे और डिलीशियस लगते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने इन्हें काट दिया, ये बन के भी रेडी हो चुके हैं। अब हम तेल गरम कर लेंगे और इसे हम अभी छौंकने के लिए डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तेल गरम हो चुका है, अभी दादी क्या डालोगे आप? जीरा और जीरा डालेंगे। अब एक एक करके हम इसे पतोड़े डालेंगे। अब
हम अच्छे से पकौड़े डालेंगे और थोड़ा ठंडा रहने भी रखेंगे। अब फ्रेंड्स अब डालेंगे इसमें हींग। पहले डालेंगे किसी देर तक क्रिस्पी होने तक।